हम लोग अभी जा रहे हैं पहले बिजली महादेव, उसके बाद आगे जाएंगे मणिकरण। अब दूर दूर लोग बाग मिलो दूर ये वादियां, किसी मंजर पर मैं रुका नहीं, कभी खुद से भी मैं मिला नहीं, ये गिला तो है मैं खफा नहीं, शहर एक से गांव, एक से लोग, एक से नाम, एक नया सफर फिर से स्टार्ट होता है। हम लोग बाइक रेंट कर चुके हैं और हम लोग पहला डेस्टिनेशन जो कि है बिजली महादेव वहां जा रहे थे, और हमें बहुत जोरों की भूख लगी थी, ब्रेकफास्ट नहीं करा था, तो हम लोग मॉल रोड से निकले हैं, कुल्लू में अभी रुकने वाले हैं, और बीच रास्ते में ही तब तक ये देखिए इतने सारे पैराग्लाइडिंग हो रही थी, मजा आ गया देख के। सो गाइस, हमने ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर दिया है, ब्रेड ऑमलेट, थुपका एंड लेमन टी, और एक कन्फ्यूज़न सा है बिकॉज हम लोग बाइक से जा रहे हैं खुद ड्राइव करके, तो रास्ते में मतलब जब आप गूगल पे सर्च करिएगा बिजली महादेव तो वो दो तीन दिखाएंगे, बिजली महादेव ओरिजिनल्स, तो उसमें बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि सारा अलग अलग जगह पे है। तो अभी हम लोग खुद श्योर होंगे, पूछेंगे किसी से कि ओरिजिनल कौन सा है, हम लोगों को कहाँ जाना चाहिए। ये रहा ब्रेड ऑमलेट और ये थुक्का, लेमन टी, एंड यकीन मानिए गाइस इतना अमेजिंग टेस्ट था ना इसका, मैं क्या बताऊँ, मनाली का सब जगह बहुत बढ़िया खाना है, स्पेशली ये शर्मा फास्ट फूड। जी हाँ, ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, हमने यहीं रुक के ब्रेकफास्ट किया और बहुत ही टेस्टी, एक मस्ट ट्राई वाला है, अगर आप टी लवर हैं तो यहाँ का लेमन टी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मतलब सुपर्ब, तो इतना अच्छा लेमन टी ना, आई थिंक मेरा आज तक का ये वन ऑफ द बेस्ट लेमन टी था, तो मस्ट ट्राई। सो गाइज, हम लोग यहाँ ब्रेकफास्ट करके निकल ही रहे थे कि हमारे पास दो सर आए, तो इनसे ही मैं डायरेक्ट मिलवाती हूँ, मैं आपसे कितना इंट्रोड्यूस करवाऊँ। निकल गया। नमस्कार, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, मैं पूरन ऑलराउंडर, मेरा नाम है ऐसे पूरनचंद ठाकुर है, ऐसे मेरी कंपनी का नाम है ऑलराउंडर पूरन हिमाचली, ऑलराउंडर पूरन हिमाचली का नाम से जानता है, हमारी अपनी हिमाचली ट्रेडिशनल कल्चर ड्रेस का हमारी अपनी फैक्ट्री है, जैसे टोपी है, शॉल है, मफलर है, ऑल ओवर इंडिया होलसेल का काम है, और हमारे साथ जो है सोशल वर्कर नेगी ब्रदर जी है जो कई सालों से रेस्क्यू करते हैं, बहुत सारे लोगों को जान बचाए हैं और इनको अवार्ड बाहर से मिला है, तो सीधा चलते हैं हम नेगी ब्रदर के पास। हेलो सर। नमस्कार जी। हाँ जी, बताइए सर जी आपके बारे में। मतलब आप सर रेस्क्यू करते हैं, मतलब कैसे, क्या होती है, मतलब क्योंकि यहाँ पर क्या कि ये टूरिज्म एरिया है, लोग बाहर से घूमने आते हैं, देश विदेश से लोग घूमने आते हैं, तो वो यहाँ पर घूमने तो आते हैं पर उनको पता नहीं होता कि यहाँ के बारे में कि कौन सी जगह कैसी है, और उनको गाइड ले जाना चाहिए या नहीं ले जाना चाहिए, और कितने बजे ट्रैक करना है, तो वो बिना आइडिया के ही चले जाते हैं ट्रैक करने के लिए और अपना रास्ता भटक जाते हैं, और जब रास्ता भटक जाते हैं तो उसको हम ढूंढने के लिए जाते हैं, हमारी टीमें जाती है, तो हमने काफ़ी लोगों को जो है ढूंढा हुआ, जीवित भी ढूंढा, फिर जैसे भी बोल सकते हैं उस तरीके से ढूंढा, तो हमारे को जैसे कि इज़राइल एवंसी से, ऑस्ट्रिया से, रशिया से, बीबीसी टॉप गियर से, और एसपी और डीसी वार्ड मिला हुआ है इस चीज़ के लिए, क्योंकि हमने काफ़ी लोगों की जानें बचाई हुई है। चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके, और लोगों को भी आई थिंक ये बात मैं पहुंचाना चाहती थी कि ये बहुत ही नेकी का काम है लोगों का जान बचाना, तो थैंक यू सो मच। इनका मणिकरण वैली जो पार्वती वैली है, पार्वती वैली के मलाना रोड में होटल है नेगीनेस करके, और वहाँ के लिए इनके पास सबसे ज़्यादा गुजरात विदेशों से घूमने आते हैं, इस पर रहने के लिए आते हैं, फिर कैंपिंग का काम है, ट्रैकिंग, कैंपिंग, रेस्क्यू, ऑल इन वन है। वाले समय में जो लोग इधर घूमने के लिए आते हैं
तो वो कृपया करके अपने साथ गाइड लेके जाएं और नेगी ब्रदर्स से कांटेक्ट करें, और अगर कोई भी चीज़ की कोई भी हेल्प हो तो आप कृपया करके हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9247-9805-1058-00। शेरा नेगी करके मेरा नाम है, नेगी ब्रदर्स करके हमारे को जानते हैं इस वैली में, हर जगह पर जानते हैं, देश विदेश हर जगह से हमारे को अवार्ड मिले हुए हैं। और हम ये पहाड़ों की ऊंचाइयों पे और ऊपर जाना है, अभी और ऊपर जाना है, माय गॉड, सुपर्ब एक्सपीरियंस। ओह माय गॉड, ये रास्ता देखिए गाइस, बहुत लैंडस्लाइड होती है, मैं यहाँ उतर चुकी हूँ, नहीं तो भाई गिर जाते हम लोग। दो लोग तो यहाँ नहीं चढ़ पाएगा, ये देख सकते हैं आप। ऑफ रोडिंग है गाइस, अभी तो फिलहाल मुझे एक जगह उतरना भी पड़ गया। ओह अरे अरे अरे, क्या खतरनाक, हम लोग कितना ऊपर आ चुके हैं, ये देखिए चढ़ान है। ओह गॉड, ओह कहाँ है बिजली महादेव, ओ गॉड, सही बात है, महादेव इतना इजली नहीं मिलने वाले। तुम लोग तो आराम से बाइक पे आ रहे हो, मेरा ट्रैक भी हो गया, बाइक राइड भी हो गया, अब तो ऑलमोस्ट टॉप पे पहुंच चुके हैं, बट क्या व्यू है यार, सुपर्ब। अभी आगे और पतला रास्ता है, अरे अरे माय गॉड, पकड़ के हैं नीचे, सुनो मैं यहाँ उतर जाती हूँ, तुम लोग अभी बढ़ो आगे, एकदम नहीं उतरना है, पर पकड़े रहो तुम, हम होल्ड किए मेरे को, पकड़े हमको, अरे तुमको कैसे पकड़े हम, ठीक है मोबाइल भी है ना, बता के रहना मोबाइल भाई। आगे और चढ़ाई है, आगे ओके ना लक्ष्मी जी, आगे ओके, आगे ओके। ओ माय गॉड, दिस इज अमेजिंग, ओह बहुत रिस्की है लेकिन, पकड़ के रहो पूरा, झुके हुए चलते चलो, यहाँ उतारेंगे तुमको, हाँ यहाँ उतर रहे हैं ना, रुक जा, ब्रेक मारो, मैं उतरती हूँ यहाँ पे। नहीं अभी ठीक है, ठीक है चलो ना, चलो बढ़ो। ओह ये पूरा लैंडस्लाइड होता है गाइस, ये पूरा लैंडस्लाइड है, भाई महादेव बहुत गजब मेहनत करवा के अपने पास बुला रहे हैं। चलो पकड़ लो, इस साइड से चलना, इस साइड आप तुम पकड़ के बैठो, हम पकड़े हुए हैं, चलो चलो।
दीपिया थोड़ा सा गैप रखिएगा हमारे आपके बाइक के बीच। बढ़िए बढ़िए बढ़िए। दीपिया बता रहे उतर जाओ। उतरने बोल रहे मुझे, रिस्क नहीं लेना बाबा। चलो मेरा तो फुल ट्रैक हो गया। बहुत धूप है, गर्मी भी बहुत लग रही है। वहां जाना है हम लोगों को अभी। लोग वहां से आ रहे हैं उस ब्रिज से, बाई रोड बाई बाइक। और मैं थोड़ा जूम करती हूँ। और अभी हम लोगों को जाना है वहां टॉप पे। चलो बहुत देर नहीं किया जाए, चलो बैठे। चलो हाँ आगे जाते दिखो भैया। हाँ ठीक है, आप बढ़िया आगे। मेरा तो पूरा ट्रैक हो गया। ये रास्ता अगर एक बूंद भी बारिश हुआ ना बहुत डेंजरस हो जाएगा। बंद कर देना चाहिए बारिश में, लेकिन लोग रहते भी हैं यहाँ पे। नीचे भी कहीं कहीं तुमको उतरना पड़ेगा उतरने समय। चलो उतर जाएंगे। वो रास्ता हम लोग वही तो कह रहे हैं, वो रास्ता से आगे है। चलो 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 भाई, का पावर तो दिखा भाई। 500 सीसी होता ना हाँ, तब तो और भी मस्ती करता। चलो कोई नहीं, 350 सीसी भी मिला भी क्या कर सकते हैं। ठीक है। कैसे गाड़ी आ गई यार, रुक जाओ देखना पड़ेगा। रे रे। और हम लोग थोड़ा पहले कंफर्म हो गए, उसके बाद इस ओर निकल गए हैं। और आप लोग देख सकते हैं रास्ता कितना ज्यादा खराब है, और इसलिए मैं वापस से पैदल ही जा रही हूँ। मेरा अच्छा खासा ट्रेकिंग हो गया और डेंजरस भी है, तो रिस्क क्यों लेना फिर। और मैं एक बात बता दूं गाइस, आप लोग जो ये देख रहे हैं कैमरा बहुत ज़्यादा जस्टिस नहीं कर रहा है। रास्ते बहुत ही ज़्यादा एकदम पतला हो चुका था और बहुत ही डेंजरस था, बट अगेन बहुत ही यूनिक और मज़ेदार ट्रिप था ये। ना ना ना, अब ये पहाड़ कितना छोटा लग रहा है भाई। हम लोग कितना ज्यादा ऊपर आ चुके। रुक जाओ रुक जाओ, हम यहाँ पे उतर के पैदल जाते हैं, पैदल जाते हैं। नहीं 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 रुक जाओ, हमको जाना भाई यहाँ तक। गाड़ी हमको तो समझ में नहीं आ रहा गाड़ी कैसे आ रहा है। वो लोग कार से आए हैं, ये रही उनकी कार। ठंडा कर रहा है वो लोग, गाड़ी बंद हो गया उनकी, ठंडा कर रहे हैं वो लोग गाड़ी। रुक जाओ बीच से निकल जाएगा वैसे। चलो तुम दीपू पे इशारा कर रहे हो, डबल लोडिंग तुम लिए। अरे उसने बोले भाई हम, चलो पकड़ना है ना। हाँ आगे झुक के, चलो झुक के। मम्मी हाँ, माँ दुर्गा हरे हर महादेव। रुक जाओ यहाँ दलदल है। चलो रुक जाओ। हम नीचे से तो नहीं जा सकते, स्लोली चढ़े आराम से हल्का खींच रहा है थोड़ा। आए क्या हम, रुकिए खींचिए। अरे 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 खींचेगा उधर वहीं से आइए। खींच रहा है।
पूरा पूरा मिट्टी है, बहुत बुरा हालत है। आई साहब चलो, लगा तो नहीं लगा, चलो भाई आपको इधर से आना था, उधर अब बाएं क्यों मोड़ लिए? अबे नहीं, पीछे का चक्का उधर घिस गया भाई। ये देखने में बहुत सीधा करना चाहे, बहुत मतलब उतना डेंजरस नहीं लग रहा है, बट ये रियली बहुत गंदा है। मतलब दो एक्सेल चारों भैया, इसमें क्या होता है, एक ही घूमता है, एक पीछे से टांगता है उसको। नहीं, अच्छा हाँ हाँ, इसमें हम लोग का रियर व्हील नहीं होता है। सही बोला, रियर व्हील नहीं होता है। तो उनकी भी गाड़ी आपने अभी देखा ना, उन लोगों की तो गाड़ी पूरा ठंडा होने के लिए वो लोग थोड़ा रुक गए, और अभी हम लोग चलो यार, सच में इंटरेस्टिंग है। हम लोग तीनों का ये पहला बाइक राइड है, और वो भी इतना इंटरेस्टिंग मज़ेदार रोड पे, पूरा ऑफ रोडिंग है, मज़ा आ रहा है। हाँ हाँ, वही वही। हम लोग भी अभी थोड़ा ब्रेक ले लिए, हालांकि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रही हमारी दोनों बाइक, बट थोड़ा रेस्ट चाहिए। ओ माय गॉड, अरे यार नीचे, हाँ आगे देखो, हम तो साइड देख रहे हैं। इतने रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, नहीं 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 वेट यार, उतरने भाई साहब, सारा चढ़ाई तो हम पैदल ही चढ़ के जा रहे हैं, असली मेहनत तो हम कर रहे हैं। आगे भी बाइक लगी हुई है, भाई साहब बापरे, पार्किंग गाइस, बैग लेके चढ़ना, तुम्हारा ट्रैक हो गया पूरा, मेरा तो फुल ट्रैक हुआ है, बाइक और ट्रैक दोनों का मजा हम लिए हैं। ओए ओए ओए, अच्छा आगे भी और भी है, इसीलिए बोले बैग नहीं लेके जा सकते हो। हां लेके नहीं जा सकते हो यार, ये तो इजी है, देखते हैं ऊपर तक कहां तक मोड़ते हैं यार, ये तो इजी है, रुको हम देखते हैं, ये तो कितना लेके चढ़ चुके, ऐसे चल तो जाएगा, बैठ जाओ, जाओ बैठ, ये तो इजी है यार, रुको हम जा रहे हैं ना, बता रहे हैं, ठीक है आप जाइए, रुको हम भी तो पीछे पीछे मोड़ेंगे उसके बाद, आप निकलिए आप निकलिए, दस मिनट जाओ, इधर इधर आ जाओ, यार ये तो इजी है, कर लोगे। क्या बोले? अरे क्या बोले, नहीं पता चला, क्या इशारा की, आने बोल रहे कि नहीं? बैठो, समझ में नहीं आ जाएगा, आराम से बैठो, हम पूरा बैग के बैलेंस कर रहे थे, एक पैर निकाल के, समझी? हाँ समझ गए थे, एकदम एज पे थे, आ रहे, चलो निकाल लोगे? हाँ तुम एकदम सीधा बैठो, बाप रे थोड़ा सा ये स्किट कर रहा था। हाँ भाई पता है हमको, तुमको एकदम पे हिलना नहीं है एकदम भी, हम नहीं हिल, इन लोगों की बाइक गिरेगा, ना ना आप आगे जाइए, आगे जाके देखिए दीपू भैया, वो देख के कैसे बताएंगे, फोन कर देंगे, फोन कीजिएगा आ जाएगा। एक्चुअली बहुत टफ है, ये तो चढ़ना पड़ेगा मुझे डेफिनेटली, यहाँ से भी लोग ट्रैक करते हैं, पार्किंग करते हैं। अरे माय गॉड, चलो गाइस, हमें तो ट्रैक करने की आदत हो गई है,
ये देखो आराम से आराम से, पीछे जाओ। चलो चलो चलो, बहुत ज्यादा ये। हाँ अब यहाँ से लोग जनरली ट्रैक करके ही जा रहे हैं। आइए इस साइड से चलिए। सो गाइज, थोड़ा सा प्लान में चेंज, अब आगे बाइक नहीं जा सकती है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो चुका है और आगे अब कोई बाइक जा भी नहीं रही है। तो नीचे जहाँ भी पार्किंग लिखा था वापस से बाइक बैक करके वहाँ लग रहा है बाइक, और सब आगे ट्रैक करके ही जाएंगे। तो चलो थोड़ा देर इन लोगों को भी तो ट्रैकिंग करना पड़ा, मैं ही तब से चल चल के आ रही थी। बहुत डिफ़िकल्ट है, इतना डिफ़िकल्ट है ना कि नहीं हो पाया।